चलिए थर्ड क्वेश्चन के सेकंड सेक्शन को हमको सॉल्व करना है। यहाँ हमको इवेल्युएट करना है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस ऑफ कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। हमारा स्ट्रेटजी प्योरली सेम, अगेन पूरा का पूरा सेम पिछली बार जो हमने किया, क्या हमने यूज़ किया था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, लाइकवाइज कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, एंड फाइनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक, अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैं एज सच रेप्लीकेट करता हूँ विथ नो चेंजेस एट ऑल। क्वेश्चन को कॉपी किया जा रहा है अभी, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। आप याद करें मैंने आपको बोला है जब कभी भी आपको लग रहा है, ये एक पेयर समझ लीजिए इसको, इन दोनों में देखिए दोनों एंगल का सम 90 होता है। तो मैं आपको बताया जब कभी भी एक ऐसा पेयर आपको दिख रहा है जिसके दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो आप एक को एज सच रखते हैं, दूसरे को हम चेंज करते हैं। ठीक, तो ये साइन 25 डिग्री को मैं एज सच रख रहा हूँ। कॉस 65 कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस 25, बिकॉज वी नो दैट 90 माइनस 25 इज 65। प्लस ऑफ कॉस 25 को मैं अगेन एज सच रख रहा हूँ, और साइन 65 कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 25। ठीक, अब आप देखिए साइन 25 डिग्री एज सच, कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह 25 डिग्री है, देयरफॉर कॉस 90 माइनस 25 इज साइन 25 डिग्री। प्लस ऑफ कॉस 25 डिग्री एज सच, नाउ साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा, देयरफॉर साइन 90 माइनस 25 कैन बी रिटन एज कॉस 25 डिग्री। अब आप देखिए दोनों एंगल सेम है, आपको पता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे थीटा की जगह 25 है। प्लस ऑफ कॉस 25 इंटू कॉस 25 इज कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब आप इस रिलेशन को देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ 25, देयरफॉर साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इज 1। पिछली बार भी आपका आंसर 1 आया था अगर आपको ध्यान है तो, इस बार भी 1 आया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो या तो वीडियो दोबारा प्ले करिए, या फिर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आप थ्योरी फिर से ब्रश अप कर लीजिए, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में और जो कंसेप्ट आपको बताए गए वो अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर आपको ये सब ईजी लगेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।